बीजेपी पक्षर आज नामांकन भरवे सुजित कुमार राज्यसभा उपनिर्वाचन विधानसभा नामांकन भरवे सुजित आसंता कोड़े राज्यसभा उपनिर्वाचन ओडिशा खाली गोटे आसन हेबो निर्वाचन आसंता काली नामांकन दाखल शेष दिन ओडिशा समेत छटी आसन हेबो निर्वाचन 11 तारीख हेब जांच 13 तारीख प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारीख सेप्टेम्बर 6 बीजेडी देते इस्तफा सुजित कुमार इस्तफा पर खाली पड़ी आसन बीजेडी छाड़ी बीजेपी मिशिंट सुजित कुमार बीजेपी पक्षर आज नामांकन भरवे सुजित कुमार राज्यसभा उपनिर्वाचन विधानसभा नामांकन भरवे सुजित आसंता 20 राज्यसभा उपनिर्वाचन ओडिशा रे खाली गोटे आसन हेबो निर्वाचन आसंता काली नामांकन दाखल शेष दिन ओडिशा समेत आउ 6 आसन हेबो निर्वाचन 11 तारीख हेबो जांच 13 तारीख प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारीख सेप्टेम्बर 6 बीजेडी देते इस्तफा सुजित कुमार इस्तफा पर खाली पड़ी आसन अधिक आलोचना आम सहित मो प्रतिनिधि प्रदीप्त कुमार महापात्र आम सहित जोड़ी होती प्रदीप्त बीजेपी पक्षर आज नामांकन भरवे सुजित कुमार राज्यसभा उपनिर्वाचन विधानसभा नामांकन भरवे आज सुजित केते भरवे किसी अपडेट रही कि निश्चित भाव में क्या कहले आज बीजेपी पक्षर सुजित कुमार राज्यसभा उपनिर्वाचन नामांकन पत्र दाखल करवा कितु आम अपेक्षा करवा कारण बीजेपी पक्षर ना बर्तमान सुधा विधिवध भाव घोषणा है गोटे प्रकार से ही बीजेपी पक्षर राज्यसभा जा चूड़ान होती विधिवध घोषणा को अपेक्षा एवं जो कथा आम आलोचना करें सुजित कुमार बीजेपी राज्य कार्यालय पहुंची सारी से राज्य सभापति दलर अन्य अंग नेतृत्व मान सहित बर्तमान आलोचना चलती आउ कि समय पर हेत ना दल पक्ष विधिवत भाव घोषणा हो पारे विज्ञप्ति प्रकाश करे विज्ञप्ति प्रकाश होगा दल पक्ष ना घोषणा है से विधानसभा को आसवे विधानसभा नामांकन पत्र दाखल करेंगे जो कथा आम पूर्वर सूचना मुझी जे सुजित कुमार जो नामांकन फर्म कि सारी बीजेपी राज्य कार्यालय से बाहर विधानसभा कि समय पर पहुंचे एटारे नामांकन पत्र दाखल बेले बीजेपी राज्य सभापति पत्र दाखल बेले बीजेपी राज्य सभापति आरंभ करके दलर तुंग नेतृत्व मान बीजेपी विधायक मैंने मुख्यमंत्री आरंभ करी मंत्रिमंडल अन्य सदस्य मैंने नामांकन दाखल बेले उपस्थित रही बीजेपी रे सेप्टेम्बर 6 सुजित कुमार सामिल होते सेबेठ ही चर्चा आलोचना लग रही जे सुजित कुमार को ही राज्यसभा पठेब कि बीजेपी ना अन्य क्या सुजोग दब किंतु सब चर्चा आलोचन गोटे प्रकार पूर्णच्छेद पड़ी कहपर केवल चूड़ांत घोषणा को विधिवत घोषणा को दल पक्षर अपेक्षा रही जितेबाला से बीजेडी इस्तफा दे राज्यसभा पदर इस्तफा देते से समय आपणकर मन थी से अनेक गुमर खोली किपर भाव कलाहांडी अनेक लुट हो दुर्नीति से दुर्नीति बीजेडी नेता आरंभ करी से समय जो मैंने बीजेडी सर्वे सर्वा साजी थे से सबू दुर्नीति संपृक्त अच्छा एक कथा से मध्य खुलासा करते तेणु आहुरी मध्य अनेक आग को खुलासा हाँ बोली से कही सुजित कुमार कार्यकलाप जानते हैं 2026 पर्यंत रही 2020 से राज्यसभा जाते अर्थात आहुरी 2 वर्ष कार्यकाल रही तेणु से जितेबाला राज्यसभा जाए तेणु निश्चित भाव में बीजेपी संख्या वृद्धि पाइब राज्यसभा बीजेपी संख्या वृद्धि पाइब राज्यसभा सहित जो चर्चा चली जो आलोचना चलता से क्योंठा क्यों पूर्णच्छेद पड़ी आज नामांकन पत्र दाखल करेंगे सुजित कुमार धन्यवाद प्रदीप्त तुम अपडेट पाई जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।